नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आनंद जोन। तो आज की इस वीडियो में हम Redmi 12 4G को Redmi 12 5G के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा फोन हमें लेना चाहिए। क्या हमें Redmi 12 4G लेना चाहिए या फिर ₹2000 एक्स्ट्रा देकर Redmi 12 5G के साथ जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिल्ड डिजाइन और फर्स्ट लुक की बात करें तो दोनों फोन का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों फोन ग्लास बैक के साथ आता है। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फोन में 6.79 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई है विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। प्रोसेसर की बात करें तो 4G वाले वेरियंट में मीडिया टेक हेलियो G88 चिपसेट देखने को मिलता है जो की 12 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और 5G वाला वेरियंट स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट के साथ आता है जो की 4 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो क्लियरली परफॉर्मेंस के मामले में 5G वाला वेरिएंट काफी बेहतर है। कैमरा की बात करें तो 4G वाले वेरिएंट में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मौजूद है। वहीं 5G वाले वेरिएंट में बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। यहां पे आपको कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं मिलता है एंड सेल्फी के लिए दोनों ही फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो क्लियरली कैमरा के मामले में 4G वाला वेरिएंट एक बेहतर ऑप्शन है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की बात करें तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 एंड MIUI 14 पर रन करता है। बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सेंसर की बात करें तो दोनों फोन में सभी सेंसर मौजूद है इंक्लूडिंग फेस अनलॉक फीचर एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो 4G वाले वेरिएंट में EMMC 5.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR4X रैम टाइप है। वहीं 5G वाले वेरिएंट में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X रैम टाइप दिया गया है। वहीं कीमत की बात करें तो Redmi 12 4G का 4GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट सभी ऑफर लगाकर 8999 में पड़ेगा। वहीं Redmi 12 5G का 4GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट सभी ऑफर लगाकर 10999 में पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा फोन हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो अगर मेरी मानो तो मैं 5G वाले वेरिएंट के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर के लिए 5G कनेक्टिविटी और एक अच्छा सा प्रोसेसर को नहीं छोड़ सकता। तो पर्सनली मैं Redmi 12 5G के साथ जाऊंगा और आपको भी यही राय दूंगा कि आप भी 5G वाले वेरिएंट को ही लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको कौन सा फोन बेस्ट लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।